फिजिकल पॉलिसी शॉक इन द्लासिकल मॉडल इफ़ेक्ट ऑफ अ टेम्पररी इंक्रीज इन द गर्मेंट एक्सपेंडिचर्स तो आज हम रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी में पहले तो हमने प्रोडक्टिविटी शॉक के हवाले से बात कर रहे थे तो आज हम एक और शॉक की बात करते हैं कि देर इज़ द चेंज इन द गमेंट स्पेंडिंग तो ये किस तरह से इफेक्ट करेंगे सो so, एक तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि द चेंज इंक्रीज का हम केस ले रहे हैं सो so, दिस इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज टेम्परे सो इसका इफेक्ट क्या होगा नंबर वन द करेंट और फ्यूचर टैक्सेस नीडिड टू पे फॉर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट ने ये जो अपने इंक्रीज़ किया तो दाह इसको फाइनांस करने के लिए गवर्नमेंट को या तो करेंटली अपने टैक्सीज में इजाफा करना होगा और आज वो इजाफा नहीं करती कहीं से बारो करती है तो दाह फ्यूचर में इसे इजाफा करना होगा सो दिस विल इफेक्टिवली रिड्यूस पीपल्स वेल्थ काजिंग एंड इनकम इफ़ेक्ट ऑन द लेबर सप्लाई तो इसका इम्पेक्ट क्या होगा फिर कि लोग पहले से अपने आप को पुअर फील करेंगे उन्होंने अब ज़्यादा टैक्स देने हैं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को फाइनांस करने के लिए आज देने हैं या आने वाले वक्त में देने दोनों सूरतों में हम अज्यूम क्लासिकल रज़्यूम करते हैं कि पीपल रैशनल है वो इसको परसीव कर लेंगे फोर्सी करेंगे कि क्या है तो उसके नतीजे में दे विल फील पुअर और उसके लिए फिर वो ज़्यादा काम करने जब वो पोअर हो जाएंगे तो वो लेयर को कम अफोर्ड कर पाएंगे और अपने वर्क को इंक्रीज़ कर देंगे लेबर सप्लाई में इजाफा हो जाएगा सो द इंक्रीज लेबर सप्लाई लीड्स टू अ फॉल इन द रियल वेज एंड अ राइज इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल सो लेबर मार्केट में जब लेबर सप्लाई कर शिफ्ट होगा इस वजह से तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा कि वेज रियल वेज कम हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट लेवल में इजाफा हो जाएगा द रज़ इन इम्प्लॉयमेंट इनक्रीज आउटपुट तो इम्प्लॉमेंट लेवल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन फंक्शन अब में वो इम्प्लॉमेंट लेवल आप सब्सटूट करेंगे तो आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी और इसके नतीजे में ऐफी लाइन जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी सो द टेम्प्रेरी राइज इन गवर्नमेंट परचेज शिफ्ट द आई एस कर आप पेंट टू द राइट एट नैशनल सेविंग डिक्लाइंस तो एक तो इसका इंपेक्ट क्या देखा है लेबर मार्किट के जरिए से गवर्नमेंट ने जब अपनी स्पेंडिंग को इनक्रीज़ किया तो लेबर मार्केट के जरिए से क्या हुआ कि लेबर सप्लाई करव शिफ्ट हो गया और एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया रियल वेज कम हो गई आउटपुट बढ़ गई एफी लाइन राइट वर्ड शिफ्ट होगी और दूसरा क्या होगा कि आई एस करव गुड्स मार्केट में अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा हो गई है तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और ये आई एस कर्व को राइट वर्ड शिफ्ट कर देगा ओके ग्राफ की मदद से हम ये सारी बातें समझते हैं लेफ्ट साइड पर जो ग्राफ है एन एस वन आपका इनिशियल जो लेबर सप्लाई कर्व है एंड डी लेबर डिमांड कर्व है सो टेम्पोरे इंक्रीज़ की वजह से मैंने बताया कि लोग अपने आप को रिलेटिवली पुअर फील करेंगे तो कम लेयर अवेल करेंगे ज़्यादा काम करेंगे सो लेबर सप्लाई करो ये रेड वाला लेबर सप्लाई लेबर सप्लाई शिफ्ट हो शिफ्ट हो जाएगा राइट वर्ड यानी किसी भी वेज पर वो आप पहले से ज़्यादा काम करने का करेंगे क्योंकि ये उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ से हम दो चीज़ें नोट कर सकते हैं कि इनिशियली वो एक ई पॉइंट पर लेबर मार्केट क्लियर हो रही थी ई e पॉइंट पर वेज कितनी थी डब्ल्यू वन और एम्प्लॉयमेंट लेवल था एन वन और न्यूक्लिबरियम पॉइंट अब क्या है एफ एफ पर रियल वेज कम होगी एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा एफ ई लाइन आपकी शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि आउटपुट लेवल आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट में इजाफा हो जाएगा तो इस राइट right साइड पर जो डायग्राम है तो इनिशियली आपके पास ई e पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम था उसके नतीजे में जो एम्प्लॉमेंट के नतीजे में ये आउटपुट वाई वन प्रोड्यूस हो रही थी और अब इस चेंज के बाद आउटपुट बढ़ने से एफ ई राइट पर शिफ्ट होगी वाई टू सो शुरू में जब वाई वन थी ठीक है तो ये ई इक्विलिब्रियम पॉइंट था डायग्राम में ई एक पॉइंट क्या है कि आई एस वन का एल एम कर्व और एफ ई लाइन ये जनरल एक है ये तीनों कर्व एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उससे ये आपके पास रियल इंटरेस्ट रेट हो रहा है और ये वाया अब इस गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इंक्रीज से एक तो एफ ई लाइन इस तरफ शिफ्ट होगी रेड वाली बन गई और सिमिलरली दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा अभी आपको बताया कि आई एस करव भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी आई एस कर्व राइट वर्ल्ड शिफ्ट हो गया तो अब हम इसमें रज्यूम कर रहे हैं कि आई एस कर्व में जो शिफ्ट हुई है ये उससे ज्यादा है जो एफ ई लाइन में यानी एफ ई लाइन में जितने ये शिफ्ट हुई है आई एस कर में शिफ्ट उससे ज्यादा हुई है so, सो अब क्या सूरत हाल है अब इस नए आई एस टू कर पर ठीक है और एल एम वन कर पर कोई इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट नहीं तो इनिशियली शॉर्टन में तो पॉइंट एच पर इकोनॉमी आ जाएगी जहाँ पर आई एस टू और एल एम कर रहे हैं ये ये क्या है अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा डिमांड है ठीक है अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से जब ज़्यादा डिमांड होगी तो उसके नतीजे में फिर क्या होगा प्राइस एडजस्ट करेंगे क्लासिकल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्राइसिस जो है वो क्विकली एडजस्ट करेंगे प्राइस क्योंकि डिमांड ज़्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट कम है तो प्राइस इंक्रीज़ करेंगी और प्राइसिस के इंक्रीज़ करने से फिर एल एम कर लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा और फाइनली इकॉनमी फिर ई e पॉइंट पर एक में आ जाएगी ई e पॉइंट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसमें क्या कुछ हो रहा है आउटपुट एक लेवल ऑफ आउटपुट में इजाफा हो गया रियल इंटरेस्ट रेट जो था वो आर वन से बढ़ कर आर थ्री हो गया और एल एम करव क्यों शिफ्ट हुआ था प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया तो इस सारी बात को अगर हम सम अप करें तो इसके नतीजे में इफ़ेक्ट ऑफ ए टेम्प्री इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेस के नतीजे में क्या हुआ रियल वेज कम होगी एम्प्लॉमेंट लेवल में इजाफा हो गया आउटपुट लेवल में इजाफा हो गया रियल इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा हो गया और प्राइस लेवल में इजाफा हो गया सो द इफेक्ट ऑफ अ टम्पोरेरी इनकी इन गवर्नमेंट तो ये उसी उन्हीं बातों को यहाँ अज्यूम शिफ्ट ऑफ द आई एस कर्व इज बिगर दैन द शिफ्ट ऑफ एफरी लाइन प्राइस मस्ट राइज ताकि एल एम करव उसको इंटरसेक्ट करे और एक डिस्टोर हो जाए राइज इन एम्प्लॉयमेंट मीन एवरेज एक और पॉइंट कि एम्प्लॉमेंट लेवल में जब इजाफा हुआ है तो इसके नतीजे में क्या होगा कि एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी कि ये प्रोडक्टिविटी शॉक ये नहीं है कि आपकी डिमांड में इजाफे की वजह से इम्प्लॉमेंट नहीं बढ़ी है सप्लाई की वजह से इम्प्लॉमेंट बढ़ी है तो उसी एक प्रोडक्शन फंक्शन में चूँकि डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्ट है तो एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाएगी अच्छा ये ये इम्पॉर्टेंट एक ये एक रिज़ल्ट है इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हमने लास्ट किसी मॉड्यूल में हमने ये देखा था कि आर मॉडल जो है वो किस तरह से वो रियल वर्ड्स की जो रिलेशनस हैं उनको वो कैप्चर करता है तो वहाँ हमने देखा था कि प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी आर के मुताबिक बढ़ती है बूम बोम में और रिसेशन में उसमें कमी वाकई हो जाती है तो अब यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप था ठीक है तो यहाँ अब नेगेटिव और वहाँ अब कोरेशन वाली डायग्राम अगर आप देखें तो हमने देखा था कि जो एक्चुअल कोरलेसन है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर की जी के साथ वो कम थी और आर मॉडल जो कोरलेशन उसको वो कैलकुलेट कर रहा था वो बहुत ज़्यादा थी मोर देन टवाइस थी ना तो अब इसकी वजह से अगर आप इसके साथ फिजिकल यानी प्रोडक्टिविटी शॉक के साथ फिजिकल पॉलिसी शॉक भी इसमें शामिल कर देंगे तो ये चूँकि नेगेटिव रिलेशनशिप है तो उसको फिर डाटा मैचिंग जो बेहतर हो जाएगी Without fiscal policy, the RBC model shows a correlation between the output and average labor productivity that is too high. So, adding fiscal policy shocks to the model increases the ability to match the actual behavior of the economy. Classical economists oppose attempts to dampen the cycle since prices and wages adjust quickly to restore equilibrium. डिसाइड्स फिजिकल पॉलिसी इनक्रीज आउटपुट बाई मेकिंग वर्कर्स वर्स ऑफ सिंस दे फेस हायर टैक्स कि क्या यनी हमें फिजिकल पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए बिजनेस जो फ्लक्चुशन्स को कम करने के लिए एक तो आप जानते हैं क्लासिकल का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इकॉनमी को इक्ले एडजस्ट कर देगी इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है इकॉनमी जो 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 एक लिब्रियम है वो रेस्टोर हो जाएगा दूसरा वो ये कह रहे हैं कि फिजिकल पॉलिसी इंक्रीज आउटपुट बाय मेकिंग वर्कर्स वर्स ऑफ सिंस दे फेस हायर टैक्सेस कि इसमें जो आउटपुट में इजाफ़ा हो रहा है फिजकल पॉलिसी की वजह से ये क्यों हो रहा है इसलिए कि वर्कर्स पहले से अपने आप को पुअर फील कर रहे हैं ठीक है वर्स ऑफ हो रहे हैं तो ये इंस्टाइट गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड बी डिटर्म बाई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग का डिसीजन है ये इस बुनियाद पर नहीं होना चाहिए कि इकानमी रिसेशन में है या बूम में है क्योंकि क्लासिकल के मुताबिक तो इकानमी हमेशा जनरल इक्िबरी में होती है ठीक है और अगर उसको वो इजाफ़ा करने की रिसेशन में इसको बूस्ट करने की कोशिश की जाती है थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो इसके नतीजे में वो ये कहते हैं कि ये डिज़ायरेबल इसलिए नहीं है कि वर्कर्स जो हैं वो वो ज़्यादा काम तो करेंगे उसके नतीजे में आउटपुट भी ज़्यादा होगी लेकिन इसके नतीजे में क्या होगा कि वर्कर्स आर फीलिंग दे विल बी वर्स ऑफ वो अपने आप को पुअर फील करेंगे तो इसलिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग का डिसीजन इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए कि इकानमी रिसेशन में या बूम में इसका डिसीजन कॉस्ट बेनिफिट के जो भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है स्पेंडिंग के लिए उसका कॉस्ट बेनिफिट की बुनियाद पर देखना चाहिए कि अगर उसका बेनिफिट एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट ज़्यादा है तो वो प्रोजेक्ट जो है वो करना चाहिए वरना नहीं करना चाहिए एक और इशू जो वो डिस्कस करते हैं वो ये कि देर मे बी लैग्स इन इनएक्टिंग द करेक्ट पॉलिसी एंड इन इम्प्लीमेंटिंग इट सो चूजिंग द राइट पॉलिसी टूडेट डिपेंड्स ऑन वेयर यू थिंक द इकानी विल बी इन द फ्यूचर कि ये जो गवर्नमेंट यानी रिसेशन को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट पेंडिंग इनक्रीज करना एक तो इसमें बहुत सारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन्वॉल्व है बहुत टाइम टेकिंग ये प्रोसेस है ये इमीडिएटली नहीं हो सकता तो उन डिलेज़ की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं प्रॉब्लम क्या है एक तो पता होना चाहिए कि आज इकॉनमी की क्या सूरत हाल है और ये जब हम इम्प्लीमेंट पॉलिसी करेंगे इसमें इतना टाइम लगेगा उस वक़्त इकोनॉमी कहाँ पर होगी और उसके लिए फिर हमें अपने फिजिकल पॉलिसी में कितनी चेंज की ज़रूरत है तो ये सारी कैलकुलेशन जो है ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स है और इसलिए वो इसको रिकमेंड नहीं करते इट इज़ आल्सो नॉट क्लियर हाउ मच टू चेंज फिज़िकल पॉलिसी टू गेट द डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड आउट के फ़िजिकल पॉलिसी को यूज़ नहीं करना चाहिए टू reduce these fluctuation thank you very much